नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज गगन उपग्रह आधारित संचालन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसका इस्तेमाल विमानन उद्योग क्षेत्र में किया जाएगा। जीपीएस एडिट जियो ऑग्मेंटेड नेविगेशन गगन का उद्देश्य संचालन प्रणालियों की दक्षता और प्रामाणिकता में सुधार लाना है। इस तरह की विशेषज्ञता प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इस प्रणाली की मदद से भारत के भू क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया खाड़ी क्षेत्र और अरब सागर क्षेत्र में जीपीएस संकेत अधिक स्पष्ट प्राप्त हो सकेंगे। इसकी पहुंच अफ्रीका तक भी हो सकेगी। इस समय रेडियो नेविगेशन सिग्नल भारत के हवाई अड्डों पर विमानों के सही सही पहुंचने और उतरने में सहायक है। इससे उन छोटे हवाई अड्डों पर भी विमानों का आना जाना आसान हो जाएगा जहाँ संचालन उपकरण नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मिलकर 7 अरब 74 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रणाली का विकास किया है। We are told that imagination itself, there are no boundaries, imagination. So literally, if we can imagine something that will be useful to mankind, probably Gagan, in all probability, it cannot be a gospel truth, but in all probability Gagan will play its part.